नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट मंत्रा प्लस में। दोस्तों, आपके लिए मैं डेली स्टॉक की वीडियो लेकर आता हूं, जिसमें आपको दो स्टॉक देता हूं और अगले दिन हमें एक अच्छे प्रॉफिट की उम्मीद होती है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैंने आपको जो दो स्टॉक बताए थे आज मंडे के लिए उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही और उन्होंने कैसा मूव किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में आपको जो बेल का आइकन मिलेगा उसे जरूर दबाएं, जिससे मेरी हर वीडियो आपको समय से मिलती रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इंट्राडे में लाइव मार्केट में कुछ इंट्राडे के कॉल्स मिलते रहेंगे, उससे भी आप काफी बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं मैंने आपको जो दो स्टॉक मंडे के लिए बताए थे उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। दोस्तों, यहाँ पे बात करें अपने पहले स्टॉक की, तो हमारा पहला स्टॉक था पिडिलाइट का। देखिए, पिडिलाइट मैंने आपको बाई बताया हुआ था 1155 रुपए या 52 रुपए के ऊपर, तो हमारी बाई कॉल कहीं देखिए एक्टिवेट हुई नहीं। मैंने इसको आपको सिर्फ बताया था 1139 रुपए के नीचे, तो देखिए इसने ओपनिंग 1135-36 रुपए पे ऑलमोस्ट दो तीन तीन या चार पॉइंट गैप डाउन इसने ओपनिंग दी। उसके बाद इस कैंडल ने देखिए इसने अपने पहली कैंडल में लो लगाया 1132 रुपए का, इसमें हमारा स्टॉप लॉस था 1149 रुपए का। तो देखिए उसके बाद इस स्टॉक ने 1146 रुपए का ही हाई लगाया, कहीं हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं। उसके बाद ये स्टॉक काफी नीचे तक गया और देखिए इसने लो लगाया 1112 रुपए का। हमारे इसमें तीन टारगेट थे, तीन के तीनों डर हुए, एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला, एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। तो अगर आपको ये स्टॉक पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, देखते हैं हमारा जो दूसरा स्टॉक था उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। दोस्तों, जहां पर हम बात करते हैं दूसरे स्टॉक की, तो हमारा जो दूसरा स्टॉक था वो था इंडिगो का। देखिए, इंडिगो को मैंने आपको बाई बताया हुआ था 1158 रुपए के ऊपर, स्टॉप लॉस था हमारा 1148 रुपए का। मैंने आपको इसको सेल बताया हुआ था 1140 रुपए के नीचे, तो देखिए सेल कहीं हमारी सेल कॉल एक्टिवेट हुई नहीं। मैंने आपको जो बाई कॉल बताई थी, देखिए पहली कैंडल हमारी बाई कॉल एक्टिवेट हुई और इसने हाई लगाया 1164.60 रुपए का। ऑलमोस्ट हमारा इसमें हमारा पहला टारगेट था 1168 रुपए का। देखिए इसने 7 पॉइंट का मूवमेंट देने के बाद वहां से स्टॉक रिवर्स हुआ। तो देखिए, अगर आपने यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके प्रॉफिट जोन में किया होगा तो आपका वो स्टॉप लॉस है प्रॉफिट जोन वाला आपका ऐसे लिट हो गया होगा, आप कुछ प्रॉफिट और आपका ब्रोकरेज निकल गया होगा, तो ओवरऑल इसमें आप प्रॉफिट में रहेंगे। अगर आपने अपने ऐसे को मॉडिफाई नहीं किया था तो देखिए इस स्टॉक ने लो लगाया 1149.20 रुपए का, हमारा स्टॉप लॉस 1149 के नीचे था, हमारा स्टॉप लॉस कहीं हिट हुआ नहीं। उसके बाद इस स्टॉक ने हाई लगाया 1175 रुपए का, हमारा इसमें सेकंड टारगेट रिटर्न हुआ। तो ये काफी स्पेशल स्टॉक था, तो एक स्पेशल लाइक जरूर कीजिएगा और चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, देखते हैं आपके लिए जो अगले दिन के लिए दो स्टॉक लेकर आए हैं वो कौन कौन से जो बुधवार को आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो हमारे थ्रू अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप स्टॉक में अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करें, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9565645812, व्हाट्सएप नंबर आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप मेरे थ्रू अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि मैं आपको अपने स्टॉक के ग्रुप में ऐड करूंगा, जहां पर आपको लाइव मार्केट में कुछ इंट्राडे की कॉस्ट मिलती रहेंगी, उससे आप काफी बेनिफिट ले पाएंगे। चलिए देखते हैं मैं आपके लिए जो बुधवार के लिए दो स्टॉक लेकर आया हूं वो कौन कौन से हैं। दोस्तों, मैंने आपके लिए बिजनेस के लिए पहला स्टॉक सेलेक्ट किया वो है एशियन पेंट का। देखिए, एशियन पेंट ने अगर हम 11 बजे के बाद से देखें तो इसने एक रेंज में ट्रेड किया हुआ, इसने एक रेंज बाउंड बनाया हुआ है, अपने इसने हाई और लो को भी ब्रेक नहीं किया हो रहा है कि ये डाउन फ्लैग पैटर्न भी है। तो अगर अपने इस फ्लैग पैटर्न को ऊपर या नीचे को ब्रेक करेगा तो एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। एशियन पेंट पर आप नजर बना कर रखें और चलिए देखते हैं मैं एशियन पेंट के लिए कौन से लेवल लेकर आया हूँ आपके लिए। तो दोस्तों, हमारे जो एशियन पेंट के लेवल निकल कर आते हैं, अगर ये 1365 के ऊपर निकलेगा तो उसको हम करेंगे बाई। स्टॉप लॉस होगा हमारा 1355 का, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 1375, सेकंड टारगेट 1385 और अंतिम टारगेट होगा 1395 का। दोस्तों, अगर एशियन पेंट 1350 के नीचे निकलेगा तो उसको हम करेंगे सेल। स्टॉप लॉस होगा हमारा 1360 का, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 1340, सेकंड टारगेट 1330 और अंतिम टारगेट होगा 1320 का। दोस्तों, ये सारी वीडियो मैं आपके लिए एजुकेशन पर्पज से बनाता हूँ, तो कोई भी आप वीडियो को देखें, सीखें, समझें ताकि आप इंटरनेट में अच्छे ट्रेडर बन सकें और कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप पेपर ट्रेडिंग भी करके सीख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं मैं आपके लिए जो दूसरा स्टॉक लेकर आया हूँ वो कौन सा है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं वेडनेसडे के दूसरे स्टॉक की, तो हमारा जो दूसरा स्टॉक वो है सेंचुरी टेक्स का। देखिए, सेंचुरी टेक्स ने भी अपने एक पूरे रेंज में ही पूरे दिन ट्रेड किया हुआ। देखिए, अगर इसने पहली कैंडल के हाई या लो को ब्रेक नहीं किया हुआ, पूरे रेंज में फंसा हुआ है, तो अगर अपने इस रेंज को ब्रेक करेगा ऊपर या नीचे की ओर तो एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो सेंचुरी टेक्स को भी आप अपने वॉच लिस्ट में बनाकर रखें और चलिए देखते हैं सेंचुरी टेक्स के कौन से लेवल निकल कर आते हैं। दोस्तों, सेंचुरी टेक्स अगर 910 की ओपनिंग लेगा तो उसको हम करेंगे बाय। स्टॉप लॉस होगा हमारा 902 का, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 918 का, सेकंड टारगेट 926 का और अंतिम टारगेट होगा 935 का।
दोस्तों अगर सेंचुरीटेक्स 893 के नीचे निकलेगा तो उसको करेंगे सेल, स्टॉप लॉस को हमारा 910 का, 901 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, 885 का सेकंड टारगेट, 878 का और अंतिम टारगेट होगा 870 का। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो आपको बेल का आइकन मिलेगा उसे जरूर दबाएं, जिससे मेरी हर वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।